विवर से गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और इसके अंदर आदमी को थकान है, प्यास है, हल्का बुखार है, पसीनों की शिकायत है, जिसकी वजह से उसमें हल्का सा डिहाइड्रेशन पैदा हो सकता है और उसकी वजह से मुंह खुश्क होना, प्यास लगना शिकायतें होती है। तो आदमी तलाश करता है कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स कौन सी लें। तो इसमें हमको एहतियात ये रखनी है अपनी सेहत के एतबार से कि जो सिंथेटिक कलर जिनमें है या कार्बोनेटेड वाटर है, इन चीज़ों से तो हम बचें। और जो फलों से, फूलों के रस से या डायरेक्ट फलों के अर्क से जो चीज़ बनाई गई है उसको हम इस्तेमाल करें। मसलन मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि स्क्वैश होते हैं, संतरे का आता है, नींबू का आता है, इनको आप इस्तेमाल करें, लेमन स्क्वैश आता है। और जो सिरप हैं, शरबत की देखिए डेफिनेशन ये है कि जिसको पानी में मिलाकर ठंडा करके आपको पेश किया जाए मशरूब को, वो शरबत है। अब मसला यह है कि आजकल डायबिटीज़ बहुत है और शरबत की खातिर जो है वो नहीं की जा सकती बग़ैर मालूम के। तो उसमें यह है कि कुछ सिरप जो हैं ये शुगर फ्री भी आते हैं, कहकर लीजिए कि हमें शुगर फ्री चाहिए। तो शरबत जो हैं, जैसे शरबत संदल है, शरबत बेलगिरी है, शरबत फालसा है, शरबत अनार है, शरबत बहुत सारे शरबत हैं, गुलाब है और अनन्नास है, ये सब चीज़ें इनका आप यूज़ करें, ये आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और डायबिटिक्स के लिए आप कौन सा शरबत इस्तेमाल करें जो शुगर फ्री हो। अब मैं बात करता हूँ एक दवाई फ़ायदे के शरबत की, जिसका नाम है खस, शरबत खस, खस का शरबत। खस एक दवाई होती है, एक किस्म की घास होती है जो 12 महीने होती है, सदाबहार रही है, और इसकी जड़ से ही बंडल की शक्ल में, राइजोम से ही बंडल की शक्ल में ये निकलती है घास और एक मीटर तक बुलंदी पकड़ती है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, गर्मी में बहुत खुशगवार लगती है। और इसका जो शरबत होता है उसको जितना हम ठंडे पानी में डाल करके पियेंगे उतना ही सुकून देता है। और दवाई एतबार से जो इसके फ़ायदे बताए गए हैं, तो उसमें इसको उशीर भी बोलते हैं, और ये जो है हमारी स्किन को भी फ़ायदा देता है और जो गर्मी है उसको दबाता है, प्यास को सुकून देता है। अगर गर्मी से आँखों में सुर्खी हो गई है तो उसको भी फ़ायदा मिलता है, आसाब को सुकून देता है, दिमाग को सुकून देता है, जिसकी वजह से नींद सही आती है। और इसके अलावा जो सफरावियत का ज़ोर हो जाता है, जिसमें हल्का बुखार रहने लगे, मतली रहने लगे, उसमें भी फ़ायदा करता है। गर्मी की वजह से अगर पेशाब में जलन रहने लगी मामूली सी, तो वो शरबत के इस्तेमाल से दूर हो जाती है। और आपने देखा होगा कि बहुत से शिकायत में इसके तेल का इस्तेमाल करा देते हैं, आसाबी शिकायत के अंदर, नर्वस डिसऑर्डर जो होते हैं इसमें खस ऑयल को यूज़ करते हैं, मसाज करते हैं। और दूसरी बात, देखा होगा इसका इत्र भी इस्तेमाल किया जाता है, एक किस्म का उसमें एरोमा होता है, बड़ी अच्छी खुशबू होती है, और तेज़ गर्मी के दिनों में अक्सर लोग उसको लगाते हैं और बहुत अच्छी उसकी खुशबू लगती है। पहले तो इसके पर्दे वगैरह भी बना करते थे और पंखे भी हाथ से झलने वाले बना करते थे, पानी डालकर उसको झला करते थे, खस की खुशबू आती थी। ये एक नेचुरल चीज़ है, इसे अगर इस्तेमाल करें तो इससे फ़ायदा होता है। और ये नेचुरल शरबत है, बूटी का मैंने आपको बता दिया, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप सिरप देखेंगे तो उसमें सिवाय इसके कि इसमें शुगर है या इसका अर्क है और या जो उसका एसेंस है वो है, और कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इस शरबत को इस्तेमाल कीजिए, गुलाब को इस्तेमाल कीजिए, फूलों के और फलों के जो बने हुए सिरप आते हैं उनके जूसेस वगैरह के, अच्छी कंपनीज के, आप उनको इस्तेमाल कीजिए, बजाय इसके कि आप कार्बोनेटेड चीज़ों को लें, सिंथेटिक कलर वाली चीज़ों को लें, वो आपके लिए नुकसानदेह है। गर्मियों में आप गर्मी को भी भगाइए और अपनी सेहत को भी सही रखिए, डिहाइड्रेशन से बचिए, गर्मी से बचिए, सूरज की तपिश से बचिए आने वाले वक्त में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ लिखें। अगर आपको कोई मालूमात करनी हो तो उस सिलसिले में आप, मेरा फ़ोन नंबर है 0114010955, इस पर आप रابطہ करके किसी भी बीमारी के सिलसिले में या इसी दवा के सिलसिले में मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।